भगवान ने दिया है वो देखे। उन लोग का भी मन में ऐसा लग रहा है, हाँ हमारे कपड़े पहन के आई अंजलि, हमारे हमारे आँख में आंसू आ रहे हैं। लाइक कर दे और फॉलो कर दो। किन्ने वीडियो शूट किया था पता है? ये भैया ने करा था हमारे। जब भी मांगने गई है लोग के पास तो लोग बोल रहे नाच के, मैंने नाच के दिखाई। ये लोग ने, मैंने 200 रुपये ले लिए नाच के दिखाए, फिर ये लोग तो आगे वीडियो भेजते। मुश्किल होते, चुग्गी वाले आते, कमेटी वाले तोड़ फोड़ के भग जाते हैं, और बारिश आते तो सब टूट जाता है, फिर वापिस बनाने पड़ते हैं, सब गीला हो जाता है बीच तरफ, तो ऐसे सो जाते हैं, फिर गीले कपड़े कर, फिर बारिश सूख बंद हो जाते तो सुखा देते हैं कपड़े कम्बल ऐसा सुखा दे, फिर झुग्गी बांध देते हैं आराम से। लाइट ही नहीं है, ना पंखा है, ना पानी का है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। सड़क पर जो पैसे मांगने का काम है कब से कर रही? बचपन से, छोटे से, जब से पैदा होती। जब कितना कमा लेती थी? 200 रुपये कमा लेती, ज़्यादा नहीं, 200 रुपये ही कमा लेती थी। कैसे मांगती थी पैसे? 2 रुपये दे दो, दो दो रुपये साफ कर दे, 2 रुपये गाड़ी साफ करके 2 रुपये मांगते थे उसके पास। गाड़ी साफ करती थी फिर 2 रुपये मांगती? हाँ 2 रुपये। तो भाई साहब से भी ऐसे ही तुमने मांगा था? हाँ ऐसे ही मांगा था, भैया बोल रहे नाच के दिखाओ, तो मैंने 200 रुपये, तो भैया ने, मैंने नाच के दिखाए, 200 रुपये दिए, मैं राजे राजे घर पर आ गई। उस समय जब भैया ने बोला था नाचने के लिए, तो बहुत अच्छी प्यारी सी स्माइल तुम्हारे चेहरे पर थी, वो खुशी का ठिकाना नहीं था, मुंह में लॉलीपॉप था, और बहुत प्यार से तुम डांस कर रही थी, तो क्या उस समय लग रहा था? यानी कोई टेंशन नहीं था? कोई टेंशन नहीं था मेरे को ऐसे, मैं 200 रुपये में तुम्हारा सब टेंशन दूर हो गया। हाँ हाँ लाइट पंखा सब आएगा तुम्हारे घर पे, लाइट पंखा सब आएगा, अब अपने घर में रहोगी। हाँ ये प्यारी सी स्माइल देख लीजिए, लग रहा है इसकी स्माइल को देख के आप आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। वायरल अंजलि हमारे साथ है, हमें भी संजय भाई साहब के यहाँ है। अभी अंजलि जी को बुलाया गया क्योंकि वहाँ जिस जो जगह थी वहाँ इंटरव्यू संभव नहीं था, और वहाँ पर काफ़ी क्राउड भी हो सकता है, और सड़क किनारे सरकारी प्रॉपर्टी पे ये लोग रह रही हैं, केस होने का भी डर होता है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम अंजलि जी से बात करेंगे, कैसा लग रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किन्ने वीडियो शूट किया था पता है? ये भैया ने करा था हमारे। किसने किया था? ये भैया याद है, कैसे याद है कि इन्होंने किया था? जब मांगने गई थी लोग के पास तो लोग बोल रहे नाच के, मैंने नाच के दिखाई, ये लोग ने, मैंने 200 रुपये ले लिए नाच के दिखाए, फिर ये लोग तो आगे वीडियो भेजते, फिर हमारे घर पर आए कि अंजलि अंजलि किधर रहती है, तो मेरे परिवार को दिखाए कि हमारी पोती यही है, हमारी पोती यही है, तो खान बोल रहे थे कि अच्छा फिर तुम्हारी लड़की बहुत फाइलेंट हो गया आगे से, ये सही बस। तो कैसा लग रहा है ये सब चीज़ देखकर? अच्छा लग रहा है। सपना तो नहीं लग रहा है कि सपने में उठे और ये सब हो रहा है? नहीं, भगवान ने दिया है वो देखे। तो क्या कहना चाहती हैं लोगों से? तुम अब अपना चैनल बनाओगी भाई साहब, तुम्हें क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है, यूट्यूब पता है? नहीं पता है। फेसबुक इंस्टा वगैरह नहीं पता? कभी मोबाइल देखी हो? मोबाइल तो मेरे चलाते ही नहीं आता है, नहीं आता है, मोबाइल चलाने नहीं आता है। तो भाई साहब तुम्हारा आईडी बना रहे हैं, आईडी जिसका प्रोफाइल होता है, ठीक है, तो वो इनके जो भी चैनल होगा उस पर तुम लाइव जाओगी, बातें करोगी, लोगों से क्या कहोगी तुम? सब्सक्राइब करने बोलोगी, फॉलो करने बोलोगी, क्या कहोगी? लाइक कर दे और फॉलो कर दो, लाइक कर दो और फॉलो कर दो इनके चैनल को, है ना? अब खुद का अपना चैनल बनाओगी?
अच्छा मान के चलो लोग प्यार मोहब्बत इतना कर रहे हैं, तुम्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं, शेयर किया जा रहा है, तो तुम्हारी ज़िंदगी जो अभी सड़क पर बीत रही है, क्या क्या मुश्किल होती है तुम्हें? सब मुश्किल होते हैं, टुग्गी वाला आते कमेटी वाले तोड़ फोड़ के भग जाते हैं, और बारिश आते तो सब टूट जाते हैं, फिर वापिस बनाने पड़ते हैं, सब गीला हो जाता है बिस्तर, तो ऐसे सो जाते हैं, फिर गीले कपड़े कर, फिर बारिश सूख बंद हो जाते तो सुखा देते हैं कपड़े कम्बल ऐसा सुखा दे, फिर झुग्गी बांध देते हैं आराम से। लाइट ही नहीं है, ना पंखा है, ना पानी का है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। सड़क पर जो पैसे मांगने का काम है, कब से कर रही है? बचपन से, छोटे से, जब से पैदा होती जब। कितना कमा लेती थी रोज? 200 रुपये कमा लेती, ज़्यादा नहीं, 200 रुपये ही कमा लेती थी। कैसे मांगती थी पैसे? 2 रुपये दे दो, दो दो रुपये साफ कर दे, 2 रुपये गाड़ी साफ करके 2 रुपये मांगते थे उसके पास। गाड़ी साफ करती थी फिर 2 रुपये मांगती? हाँ 2 रुपये। तो भाई साहब से भी ऐसे ही तुमने मांगा था? हाँ ऐसे ही मांगा, तो भैया बोल रहे नाच के दिखाओ, तो मैंने 200 रुपये, तो भैया ने मैंने नाच के दिखाया, 200 रुपये दिए, मैं राजे राजे घर पर आ गई। तो उस समय जब भैया ने बोला था नाचने के लिए, तो बहुत अच्छी प्यारी सी स्माइल तुम्हारे चेहरे पर थी, वो खुशी का ठिकाना नहीं था, मुंह में लॉलीपॉप था, और बहुत प्यार से तुम डांस कर रही थी, तो क्या उस समय लग रहा था? यानी कोई टेंशन नहीं था? कोई टेंशन नहीं था मेरे को ऐसे, यानी 200 रुपये में तुम्हारा सब टेंशन दूर हो गया। अच्छा ये इन मैडम को जानती हो? इनको हाँ जानती हूँ। इनको कैसे जानती हो? के लोग वीडियो बनाते थे जब से मेरे जानने मंडी। इन्होंने ही वीडियो बनाया था, इन दोनों ने मिलकर? हाँ फिर जानने मंडी, ये भैया हमारे घर पर आते मिल ले तो मैं मिल लेती हूँ। एक होता है वीडियो बना के डाल दिया, व्यू मिल गया कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा उनसे मिलना नहीं है, अपना नाम हो गया हो गया, लेकिन ये लोग फिर दोबारा गए तुमसे मिलने? गए थे हाँ, आए थे वापस। बातचीत होती है, दिलासा दिला रहे हैं? इन्होंने कहा है कि तुम्हें घर दिला देंगे? बुरा आगे फेल हो गई, फिर तुम्हारे परिवार भी खुशी होगी उसमें, घर में लाइट पंखा सब आएगा तुम्हारे घर पे। लाइट पंखा सब आएगा, अब अपने घर में रहोगी? हाँ। ये प्यारी सी स्माइल देख लीजिए, लग रहा है इसकी स्माइल को देख के आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। एक ज़रूरत का साधन होता है जो हमारे आपके पास सभी के पास होता है, घर होता है, खाने के सामान होते हैं, पीने के लिए पानी होता है, गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हैं, बिजली होता है, इनके पास अभी कुछ नहीं है, और इनको इस बात की खुशी हो रही है कि भाई साहब इनको मकान दिला देंगे, इनके पास घर होगा, मकान होगा, सारा चीज़ होगा, इस बात से खुश हो तुम? खुश है। तुम स्टार बन गई हो देश की, जैसे शाहरुख सलमान है, कैटरीना है, उसी तरह लोग तुम्हें प्यार करते, उससे भी ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं तुम्हें, ये पता है? इससे खुश नहीं हो, बस इतना खुश हो कि घर दिला देंगे? इतना ही खुश है बस, जितना भगवान देंगे इतने में ही खुश है बस। जितना भगवान देंगे उसमें खुश? हाँ खुशी है बस। भैया को क्या कहना चाहते? लाइक करने चाहते भैया को, थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू कब बोलना सीखा तुमने? थैंक यू क्या होता है? भैया मदद करता है, भैया मदद कर रहे हैं, भैया मदद करते हैं हमारे। अच्छा मैंने एक वीडियो देखा था भैया के आईडी पे देखा था या कहीं पे देखा था, आप इन्हें कपड़े दिला रही थी होली के, होली से एक दिन पहले? यस यही वाली थी ड्रेस दिलाई थी। अच्छा तो कैसा लगा था कोई कपड़े ले, पहले तो 2 रुपये मांगने पड़ते थे तुम्हें, और कैसा लग रहा था जब कपड़े लेकर तुम्हें देने आई थी मैम? अच्छा लग रहा था, खुशी लग रहा था, मेरी दीदी कपड़े देने आए थे, जब मेरे लोग ने बोला कि अंजलि पहले तो मैं पहन, मेरे का अच्छा मैं जब आऊँगी तुम्हारे घर में जब पहन के आओगे, अभी तो अच्छा लग रहा है कि मेरी दीदी के कपड़े अच्छे लग रहे, उन लोग का भी मन में ऐसा लग रहा है हाँ हमारे कपड़े पहन के आई अंजलि का, हमारे आँख में आंसू आ रहा है।